पे जहाँ पे, अरे बाउंसर जहाँ पे तुम भेजे मेरे को वहाँ पे, अरे अभी तक चालू ही नहीं हुआ, खाली एक ही जन आए अभी आज खाली डायरेक्टर किधर पे, किधर पे किसका है, किसका है ब्लेसिंग्स एंड विथ योर गुड विशेस वी नो दैट दिस फिल्म इज गोइंग टू डू वेरी वेल. उसका कारण यह है कि फिल्म बहुत ईमानदारी से बनाई गई है, बहुत मेहनत से बनाई गई है और बहुत शिद्दत से बनाई गई है. तो हम ट्रेलर फिल्म का आपके सामने पेश करने जा रहे हैं. कैमरा टाइट पकड़ के रखिएगा, कुर्सी भी टाइट पकड़ के रखिएगी कि कुछ हिल ना जाए. और इस बात का एश्योरेंस है कि आप सब ट्रेलर देख के हमें ब्लेस करेंगे और हमें कॉन्फिडेंस देंगे फिल्म के सक्सेस का. ट्रेलर हम दो बार चलाएंगे, उसके बाद फिर आगे की प्रतिक्रिया. थैंक यू वेरी मच. फिल्म के प्रोड्यूसर गुलाब सिंह जी से रिक्वेस्ट फिल्म के वो प्लीज मंच पर आए. गुलाब सिंह जी इज अ प्रोड्यूसर, वेल नोन प्रोड्यूसर, इज अ वेल नोन बिजनेसमैन एंड अ कॉम्पिटेंट पर्सन. थैंक यू. मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे फिल्म के डायरेक्टर, टू टाइम नेशनल अवार्ड विनर संजय पूरन सिंह चौहान टू कम ऑन द डायस. रिक्वेस्ट प्रोड्यूसर किरण डागर जी टू प्लीज कम ऑन द स्टेज. एंड आई रिक्वेस्ट प्रोड्यूसर अनिरुद्ध सिंह कंवर टू कम ऑन स्टेज. और भी काफ़ी सारे इवेंट्स थे, उसके बाद भी आप लोग यहाँ आए इस फिल्म को कवर करने के लिए. मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए. आमतौर पर वो फिल्म जो कन्वेंशनल फॉर्मेट में नहीं होती उनके लिए इस तरीके की कवरेज नहीं होती, तो आपको इतने नंबर्स में देख के और इस आपका ये जो उत्साह है इससे मुझे बहुत खुशी हो रही है और हौसला मिलता है मेरे जैसे फिल्म मेकर्स को. एज ए डायरेक्टर जो बातें कहनी होती है फिल्म के अंदर दौरान उसको शूट करते वक्त या फिल्म के जरिए आप कह देते हैं, तो ऐसे सच मेरे पास में बहुत कुछ ज़्यादा अभी नहीं है बात करने के लिए. बट थैंक यू सो मच आप लोगों के आने के लिए. और 7 तारीख को क्योंकि फिल्म रिलीज़ हो रही है तो वो जो रिएक्शंस होंगे और ट्रेलर के रिएक्शन, इसके लिए मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ. ओवर टू यू सर. तो हम तैयारी में थे, हमने थिएटर भी बुक किया था ट्रेलर लॉन्च के लिए और अचानक हमारे ऊपर एक बम फोड़ा गया, ये वाला नहीं दूसरा, और बोला गया कि आपका ट्रेलर जो है वो हम उसको सेंसर सर्टिफिकेट नहीं दे सकते क्योंकि आपको कुछ कट्स दिए गए हैं और वो कट्स करने के बाद जो है वो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा. तो दो सवाल है. शौक था हम लोगों के लिए, मेकर्स के लिए, संजय के लिए, हम सब के लिए. मैं बहुत ही नम्रता पूर्वक विद फुल ह्यूमिलिटी मैं सेंसर बोर्ड के चेयरमैन से आपके माध्यम से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा. आज हमारे मित्र प्रसून जोशी जी बहुत ही उच्च स्तरीय लेखक हैं फिल्म के, मैं बहुत इज्जत करता हूं उनकी, बहुत अच्छे थॉट हैं. एक फिल्म जिसको नेशनल अवार्ड मिला, बदतर बुरे को सरकार ने नेशनल अवार्ड दिया गया है, इफी में उसको अवार्ड मिला है, सरकार ने इस फिल्म को सराहा है और कहा गया है कि यह फिल्म जो है बहुत कमाल की फिल्म है, इसलिए आपको नेशनल अवार्ड दिया गया है, तालियां बजाई गई, लोगों ने फिल्म सहारा, सरकारी नुमाइंदे ने, हमारे फिल्म मेकर्स ने, जूरी ने, सबों ने
डायरेक्टर का एक प्रोड्यूसर का मनोबल बढ़ाते हैं, उसी फिल्म के अंश से ट्रेलर बना है। एक भी शॉट, एक भी फ्रेम फिल्म के अलावा इस ट्रेलर में नहीं है। और आपने बाकायदा सेंसर सर्टिफिकेट के लिए कहा नहीं, आपने कट करी, ये आपने काटी है। तो या तो वो नेशनल अवार्ड गलत है या आपका ये सेंसर सर्टिफिकेट रिजेक्शन गलत है, आप ये डिसाइड कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो इंडस्ट्री के कितने लोगों के फोन आए, ये क्या प्रोसेस है, कौन है ये लोग सेंसर बोर्ड में सीबीएफसी में बैठने वाले जो डिसाइड करते हैं ये कि ट्रेलर रिजेक्ट किया, आपने फिल्म को टाइम अवार्ड दिया है और आपने ट्रेलर रिजेक्ट कर दिया, किस मायने पे, किस रीजन से आपने हमारे ट्रेलर को रिजेक्ट किया। मैं एज अ प्रोड्यूसर, एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इफ्किडा, एज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इफ्पा, मैं सवाल पूछता हूं पूरी इंडस्ट्री की तरफ से, हमें समझाया जाए कि किस बिना पर आपने हमारे ट्रेलर को मना किया, कट सामने दिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं, पूरी टीम के साथ में संजय बैठा है, प्रोड्यूसर बैठे हुए, कि एक भी फ्रेम, एक भी शॉट फिल्म के अलावा जिस फिल्म को आपने सेंसर सर्टिफिकेट दी है, जिस फिल्म को आपने नेशनल अवार्ड दिया है, जिस फिल्म को आपने सराहा है, उसका आप ट्रेलर कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट टुडे द मीडिया शुड आस्क प्रसून जोशी साहब एंड डाउन द लाइन ऑल दोज ऑफिसर्स हु हैव रिजेक्टेड योर हर्ट टुडे, वी एज मेकर्स, वी एज प्रोड्यूसर्स, वी एज डायरेक्टर्स आर हर्ट, वी हैव बीन ह्यूमिलेटेड टुडे। आपने रिजेक्ट कर दिया, ये मतलब आप हमको समझते क्या है, आप अपनी कुर्सी पे बैठे हैं तो आप बोलेंगे यही चलेगा, यही चलेगा, यू आर आंसरेबल टू डे। सो आई रिक्वेस्ट माय डियर फ्रेंड प्रसून जोशी जी टू फाइंड आउट हु आर दिस पीपल हु हैव इश्यूड दिस ऑब्जेक्शन दिस लेटर टू अस। आई ऑल्सो अपील टू आवर ऑनरेबल आईएमडी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर साहब to initiate an inquiry against this. आज हम आज हम विक्टिम बने, कल दूसरे प्रोड्यूसर विक्टिम बनेंगे, परसों तीसरे बनेंगे, ये क्या डिक्टेटरशिप है, ये क्या दादागिरी है, ये किस बिना पर आप फिल्में रिजेक्ट करते हैं, ट्रेलर रिजेक्ट करते हैं। वी आर वेरी हर्ट, वी आर वेरी एंड एंड वी आर शॉक्ड बाय दिस रिएक्शन। रात के 12:30 बजे मुझे एक सेंसर बोर्ड का के सीनियर ऑफिसर मुझे मैसेज करते हैं रात के 12:30 बजे कि हमने आपका ट्रेलर रिजेक्ट भी किया है, हमने आपसे कहा है कि आप ये कट करिए, ये सीक्वेंस निकालिए, हम आपको दे देंगे। बात तो वही है ना, बात तो सिंपल ही है। लोग जो ट्वीट कर रहे हैं, जो प्रेस मीडिया बात कर रहा है, ये गलत आपने मैसेज दी हुई है। आप ये कह रहे हैं कि सीन्स काट दीजिए, शॉक ये पोर्शन काट के, ये फ्रेम काट के हम लोग सेंसर सर्टिफिकेट दे देंगे। भैया फिल्म वही है, विजुअल्स वही है, डायलॉग वही है, सब कुछ वही है और आपने रिजेक्ट कर दिया। मैं आपको दो विजुअल दिखाना चाहूंगा और आपको यकीन हो जाएगा, हमने स्पेशली वो आप लोगों के लिए लाया हुआ है। जब संजय पूनम सिंह चौहान एज ए डायरेक्टर इज रिसीविंग द नेशनल अवार्ड फ्रॉम द सेम वेरी पीपल from the same department who have rejected my trailer, my film's trailer, that please do this cutting. So, hum 2 minute ke beech aa jate hain and then we will, aap dekh lijiye 2 visuals and then we will come back. So, hum taiyari mein the, humne theater bhi book kiya tha trailer launch ke liye aur achanak hamare upar ek bomb phoda gaya, ye wala nahi dusra, और बोला गया कि आपका ट्रेलर जो है वो हम उसको सेंसर सर्टिफिकेट नहीं दे सकते क्योंकि आपको कुछ कट्स दिए गए हैं और वो कट्स करने के बाद जो है वो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो दो सवाल है, शौक था हम लोगों के लिए, मेकर्स के लिए, संजय के लिए, हम सब के लिए। मैं बहुत ही नम्रता पूर्वक
विद फुल ह्यूमिलिटी मैं संसद बोर्ड के चेयरमैन से आपके माध्यम से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। आज हमारे मित्र प्रसून जोशी जी बहुत ही उच्च स्तरीय लेखक हैं फिल्म के, मैं बहुत इज्जत करता हूं उनकी, बहुत अच्छे थॉटे हैं। एक फिल्म जिसको नेशनल अवार्ड मिला है, बदतर बुरे को सरकार ने नेशनल अवार्ड दिया गया है, इफी में उसको अवार्ड मिला है, सरकार ने इस फिल्म को सराहा है और कहा गया है कि ये फिल्म जो है बहुत कमाल की फिल्म है, इसलिए आपको नेशनल अवार्ड दिया गया है, तालियां बजाई गई, लोगों ने फिल्म सराहा, सरकारी नुमाइंदे ने, हमारे फिल्म मेकर्स ने, जूरी ने, सबों ने। आप एक डायरेक्टर का एक प्रोड्यूसर का मनोबल बढ़ाते हैं, उसी फिल्म के अंश से ट्रेलर बना है, एक भी शॉट एक भी फ्रेम फिल्म के अलावा इस ट्रेलर में नहीं है, और आपने बाकायदा सेंसर सर्टिफिकेट के लिए कहा नहीं आपने कट करी, ये आपने काटी है, तो या तो वो नेशनल अवार्ड गलत है या आपका ये सेंसर सर्टिफिकेट रिजेक्शन गलत है, आपने डिसाइड कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री के कितने लोगों के फोन आए, ये क्या प्रोसेस है, कौन है ये लोग सेंसर बोर्ड में सीबीएफसी में बैठने वाले जो डिसाइड करते हैं ये क्या ट्रेलर रिजेक्ट किया है, आपने फिल्म को नेशनल अवार्ड दिया है और आपने ट्रेलर रिजेक्ट कर दिया, किस मायने में किस रीजन से आपने हमारे ट्रेलर को रिजेक्ट किया है? मैं एज अ प्रोड्यूसर, एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इफ्टा, एज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इफ्टा, मैं सवाल पूछता हूं पूरी इंडस्ट्री की तरफ से, हमें समझाया जाए कि किस बिना पर आपने हमारे ट्रेलर को मना किया, कट सामने दिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं पूरी टीम के साथ में संजय बैठा प्रोड्यूसर बैठे हुए कि एक भी फ्रेम एक भी शॉट फिल्म के अलावा जिस फिल्म को आपने सेंसर सर्टिफिकेट दी है, जिस फिल्म को आपने नेशनल अवार्ड दिया है, जिस फिल्म को आपने सराहा है, उसका ट्रेलर कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट टुडे द मीडिया शुड आस्क प्रसून जोशी साहब एंड डाउन द लाइन ऑल दोज ऑफिसर्स हु हैव रिजेक्टेड योर वर्क टुडे। We as makers, we as producers, we as directors are hurt. We have been humiliated today. आपने रिजेक्ट कर दिया, ये मतलब आप हमको समझते क्या है? आप अपनी कुर्सी पे बैठे हैं तो आप बोलेंगे यही चलेगा यही चलेगा, यू आर आंसरेबल टूडे। सो आई रिक्वेस्ट माई डियर फ्रेंड प्रसून जोशी जी टू फाइंड आउट हु आर दिस पीपल हु हैव इश्यूड this objection to this letter to us. I also appeal to our Honorable IMP Minister Anurag Thakur Sahab to initiate an inquiry against this. Aaj hum victim bane, kal dusre producer victim banenge, parso teesre banenge. Ye kya dictatorship hai? Ye kya dadagiri hai? Ye kis bina par aap filmen reject karte hain, trailers reject karte hain? We are very hurt. We are very angry and we are shocked by this reaction. रात के 12:30 बजे मुझे एक सेंसर बोर्ड का के सीनियर ऑफिसर मुझे मैसेज करते हैं रात के 12:30 बजे कि हमने आपका ट्रेलर रिजेक्ट भी किया है, हमने आपसे कहा है कि आप ये कट करिए, ये सीक्वल से निकालिए, हम आपको दे देंगे। बात तो वही है ना, बात तो सिंपल ही है। लोग जो ट्वीट कर रहे हैं, जो प्रेस मीडिया बात कर रहा है, ये गलत आपने मैसेज दी हुई है। आप ये कह रहे हैं कि सीट्स काट दीजिए, शॉप ये पोर्शन काट दीजिए, ये फ्रेम काट दीजिए, हम तुम सेंसर सर्टिफिकेट दे देंगे। भैया फिल्म वही है, विजुअल्स वही है, डायलॉग वही है, सब कुछ वही है और आपने रिजेक्ट कर दिया। मैं आपको दो विजुअल दिखाना चाहूंगा और आपको यकीन हो जाएगा, हमने स्पेशली वो आप लोगों के लिए लाया हुआ है। जब संजय पूनम सिंह चौहान एज ए डायरेक्टर इज रिसीविंग द नेशनल अवार्ड फ्रॉम द सेम वेरी पीपल फ्रॉम द सेम डिपार्टमेंट
who have rejected my trailer, my film's trailer, that please do this cutting. तो हम मैंने डायरेक्टर से पूछ लूंगा. देखिए क्या है कि एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि फिल्म का अलग सेंसर होता है, ट्रेलर का अलग सेंसर होता है. ठीक है, तो फिल्म का सेंसर तो हमारे पास है, तब जाके अवार्ड्स मिले हैं. क्योंकि अगर आपके पास सेंसर सर्टिफिकेट नहीं है तो यू कांट एंटर इनटू दिस कॉम्पिटिशंस एंड दिस अवार्ड्स. ठीक है, अब ट्रेलर जो आपने देखा इसमें एक पैर का शॉट है, जो पैर का शॉट है उन्होंने बोला ये निकाल देने के लिए. जो फुट है ग्लास का जो सीक्वेंस है उसमें जो पैर का शॉट है उसमें वो निकाल दीजिए. जो फिल्म में है आप विडंबना देखिए, जो फिल्म में है फिल्म में आपके लिए ओके है, आप सेंसर सर्टिफिकेट दे चुके होंगे, लेकिन ट्रेलर में आपको नहीं चाहिए. तो ये जो डायकोटोमी है, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है कुर्सी में बैठने वालों का, ये हम सवाल कर रहे हैं. दूसरा उन्होंने बोला कि कुरान का एक शब्द है इसमें, उसको आप निकालिए. तो फिल्म में भी है, आप पूरा डायलॉग सुन लीजिए. और मैं इनकी सबकी तरफ से मैं आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहता हूं, वो ये है कि ये फिल्म किसी भी रिलीजन, किसी भी धर्म, किसी भी इंसानियत के खिलाफ नहीं है. दिस फिल्म इज डीलिंग विद टेररिज्म. और एक जैसे बाइलाइंस आप देखिए आप सुनाते नहीं है कि ये मिसमेंट है. सो लास्ट मोमेंट में आपको पता है कि हम आज अपना ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं. हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि जो जो शॉट्स, जो सीक्वेंसेस, जो डायलॉग्स आपके लिए फिल्म में ओके हैं वो ट्रेलर में ओके क्यों नहीं है? सिंपल सी बात है. जब आपने उसमें सर्टिफिकेट दे दी तो आप इसमें सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे रहे? दूसरा सवाल ये है कि फिल्म स्टोरी आई और फिर इस तरह की फिल्म का आना, तो जाहिर सी बात है सवाल आप तो उठेंगे और प्रोपेगेंडा फिल्म का भी मतलब बहुत सारे जो है उन रिएक्शंस रहे हैं, तो उसके डिफेंस में आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात अपना शब्द वापस लीजिए, ये कहके कि प्रोपेगेंडा फिल्म है. मेरी बात, आपको हक नहीं है किसी के भी काम को प्रोपेगेंडा बोलने का. वी आर नॉट पॉलिटिशियंस हियर. ठीक है ना, आई थिंक थोड़ी बहुत मैच्योरिटी हमें हो तो ज्यादा बेटर है. किसी भी इशू को खड़ा करना, मैं तो आपने चीज मुझे अच्छी याद दिलाई कि ये लोग जिन्होंने मेरी हमारी सेंसर सर्टिफिकेट रिफ्यूज की है, ये लोग उनके ही प्लेटफॉर्म पे एक अंग्रेज आके वो हमारी फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म बोल के ऐसी की तैसी करके निकल जाता है. हम तो उसका भी कंडेम करते हैं. जिस फिल्म को, जिन फिल्मों को देश विदेश करोड़ों की तादाद में जिन्होंने उस फिल्म को एक्सेप्ट किया, जिन्होंने जिनकी वजह से फिल्म चली है, आप उसकी इंटेलिजेंस पर सवाल उठा रहे हैं. जो लाखों की तादाद में लोग गए अंदर जिन्होंने फिल्म को सराहा, आप ये कह रहे हैं कि करोड़ लोग जो ये बेवकूफ है, हम जो कुर्सी पर बैठे हैं हम इंटेलिजेंट है, तो उनको कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है. दे हैव नो रीजन एंड दे हैव नो रीजन टू सिट ऑन द चेयर बिकॉज इनको लोगों के पल्स का एहसास ही नहीं है. और क्या कायदे कानून की आप बात कर रहे हैं? आपने खुद इतना कंफ्यूजन क्रिएट करके रखा हुआ है. So, एक मेकर, एक फिल्म मेकर जो फिल्म बनाता है, लीगली उसकी सेंसर सर्टिफिकेट मिलती है, उसको फिल्म पास होती है ऑटोनोमस बॉडी, किसी को आप बोलिए फिल्म अच्छी नहीं है, आप बोलिए कि फिल्म को पसंद नहीं आई, लेकिन आप उसको ब्रांड करेंगे एज अ प्रोपेगेंडा, क्योंकि आपके एजेंडा को एक्सपोज करके आपके एजेंडा को डिस्ट्रॉय करती है वो फिल्म, इसलिए आपको प्रोपेगेंडा फिल्म लगती है. तो मेरा हक है ना एज अ मेकर, पैसे मैं लगा रहा हूं फिल्म में, मुझे बनानी है, आप अपने हिसाब से फिल्म बना लीजिए. आपको जो फिल्म बनानी है आपके माइंड के हिसाब से आप बनाइए ना. आपको रोकता कौन है? सेंसर बोर्ड उसको चिपक कर दिखाइए, हम तालीम हो जाएंगे. लेकिन आप मेरे सवाल को या मेरे माइंड को या मेरी सोच को या मेरे थिंकिंग प्रोसेस को या मेरे चॉइस पे आप उंगली उठाओगे तो फिर मुश्किल है. फिर कोई ऐसा, मेरा भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, संजय का भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, किरण जी का भी है, अनिरुद्ध का भी है, सबका है, आपका है, सबका है. डिस्कस करिए, बहस करिए, लेकिन डोंट रन डाउन एनी बडी फॉर दैट मैटर. मैं तो सारे मेकर्स की बात कर रहा हूं, मैं सारे प्रोड्यूसर्स की बात. आई वॉज द फर्स्ट पर्सन हु स्टूड बाय उत्तर पंजाब. हमने सपोर्ट किया कि उत्तर पंजाब बैन नहीं होनी चाहिए, हमने सपोर्ट किया कि परमाणु बैन नहीं होनी चाहिए, सब होने चाहिए. मेरा हक है कि मैं क्या बनाऊं और क्या मैं रिलीज करूं. लीगली अगर हो रही है अभी, मतलब मैं ये भी कहना चाहूंगा कि फिल्मों
कि रिव्यूअर्स फिल्मों को रिव्यू नहीं करते हैं क्योंकि उनके एजेंडा को सूट नहीं करता। फिर आप तो रिव्यूअर्स है ही नहीं, आप तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के शख्स हैं। अगर मैं रिव्यू करता हूं फिल्म को और मैं रिव्यूअर कहलाता हूं, मैं पत्रकार हूं, मेरा हक है, मेरा मकाम है हर फिल्म को रिव्यू करना। गाली दीजिए आप, कहिए कि फिल्म जो है वो नहीं अच्छी है, डायरेक्शन बुरा है, एक्टिंग बुरी है, सब करिए, लेकिन आप फिल्म को रिव्यू नहीं करते हो और ये कहते हो कि फिल्म जो है फिल्म ही नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है, तो देन गॉड सेव देम। मतलब मैं, हम इसका कुछ नहीं कर सकते, हमारे रिव्यूअर्स पब्लिक है, हमारे लोग हमारे साथ हैं, आप सब लोग हैं, हम उसी में खुश हैं। अशोक सर सर, सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि आपने कल रात ही एक वीडियो डाला, अभी भी आपने काफी कुछ बोला अबाउट द फिल्म नॉट गेटिंग, अभी तो कम कम बोला। हाँ, मुझे उम्मीद है आप मेरे सवाल के बाद ज्यादा बोलेंगे। सो अबाउट द फिल्म नॉट गेटिंग द सर्टिफिकेट फॉर द ट्रेलर, सर वुड यू ब्रांड दिस मूव फ्रॉम द सेंसर बोर्ड, would you brand this movie from the censor board as completely illogical, irrational and brainless, because it is honestly not making sense, right? If a film is passed and it's got a national award, like you have said, then there is really no logic behind this move, right? I think, sir, you can come late, I think, because this is what exactly I said. In the entire this thing, all of us said the same thing, that we feel that this is irrational, this is absolutely dictatorial, this is absolutely against this script, it's a contradiction of your own decisions which you have taken earlier. We saw the visuals of him receiving an award, and on one side you gave him a national award, and on the other side you tell Sanjay Puran Singh Chauhan or Gulab Ji for that one, Kiran Ji for that one, Anirudh, you know, yaar, I think we committed a mistake that time by giving an award. Now we are rectifying our mistake. That also can be possible. That's what I'm trying to say. तो आपने आपने पहले गलती की है, उस गलती का हम क्यों आज भुगतते हैं? आप उसको मेंटेन करिए ना। तो आपने आपने जो बड़ा कंट्रोडिक्शन क्रिएट किया हुआ है, and I'm telling you, they have raised a very important issue today in the industry. People are going to question this. People are going to raise these issues. It's not only related to this film. It's related to entire cinema industry. At the time when there's digital platforms, there are OTT platforms, people are seeing what they want to see, everything is there. So in the entire perspective, in the entire genre, in the entire thing, whatever is happening in our country and all the entertainment industry, all the platforms, these kinds of cuts which you have approved earlier, I think they have to think, sit in a room, they have to start thinking, they have to start, you know, they have to start monitoring themselves and call those people and sit with them, and action has to be taken against those people who have sent us this letter of you know, refusal of a censor certificate. So also speaking about the industry, kyunki aapne industry ka zikr kiya abhi, do you think so the industry stands united, they have an equilibrium when it comes to any film facing these kind of problems in a sense about, like, for example, like a Padmavat or an Udta Punjab, which you supported, or a Delhi Belly, or even say a sex comedy like Masti Zade or Veere Di Wedding, jab bhi unko problem hoti hai censor ki taraf se, to hum dekhte ki puri industry ek jut khadi ho jati hai. Do you think so that there is a kind of a selective backing from the industry? Russell, industry is not selective. The difference is between a silent majority and a majority. Okay, you don't expect everybody to come on the street and protest. Everybody cannot be Ashok Pandit, no? So everybody has his own style of protesting. Some people mail, some people tweet, some people do that. But believe me, the kind of calls I have brought since yesterday, when it came, when you all of you flashed it, they all are worried. कि हम फिल्म के सपोज हमने कोई ऐसा शॉट डाल दिया होता उसमें जो फिल्म में नहीं है, then we take the brand. Then we have committed a mistake. There is no opinion on that. You are absolutely right, because you have cheated the censor by putting a shot which is not there in the film. Then we should be put up. But the point is, again I repeat, that if things are there in the film, same things, what right do you have to refuse the
trailer. That's a simple thing. There is nothing more than that. Ashok sir, yeah. आप लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या अवार्ड वापसी करेंगे जो सरकार से मिला? नहीं, हम उन चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं. अवार्ड वापसी भी तो हम बिलीव ही नहीं करते हैं, क्योंकि अवार्ड वापसी गए वैसे ही, मतलब अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं उनके बारे में. इसी ट्रेलर जो हमने लॉन्च तो कर दिया, ठीक है, थिएटर में नहीं किया, आपके सामने किया, आपके पक्ष में किया और आप लोगों ने रिएक्ट किया. इस पर कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 7 तारीख हमारी फिल्म रिलीज हो रही है, फिल्म तो नहीं रुक रही है. हम आज सिर्फ एज सिटीजन्स, एज पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री, हम ये सवाल खड़ा करना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि ये हुआ क्यों और क्या तरीका है ये, ताकि आगे चल के इस चीज को मेंड करें. ये तो हमारा क्लासिक एग्जाम्पल है. ये एग्जाम्पल को कोट करके, एग्जाम्पल पूरी सिस्टम को बैठ के, ताकि आगे गलती नहीं हो. ये मेकर्स तो कंफ्यूज हो गए ना, फिल्म मेकर्स तो कंफ्यूज हो गए, आज संजय कंफ्यूज हो गए, हम कंफ्यूज हो गए, किरण भी कंफ्यूज हो गए, गुलाब भी कंफ्यूज हो गए, कल सारे प्रोड्यूसर्स कंफ्यूज. भाई आपने एक ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट कर दिया कि फिल्म से ट्रिगर का कोई लेना देना नहीं है. जैसे ट्रेलर जो है वो 72 होने नहीं है, वो 75 होने का ट्रेलर है और 72 होने की फिल्म है. अलग अलग फिल्म नहीं है ना, बात तो वही है. हम 72 और 75 की बात ही नहीं कर रहे हैं, फिल्म तो वही है. तो दिस इज अ व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, दिस इज अ वेरी सीरियस इशू, दिस इज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन दैट द CBFC हैज रेज्ड एन इशू फॉर द इंडस्ट्री एंड द एंटायर इंडस्ट्री शुड रिएक्ट टू एंड विल रिएक्ट टू. आगे आगे लोग परेशान ना होते, कोर्ट कोर्ट जाने से कुछ नहीं. भैया हमारी इंडस्ट्री है ना, CBFC हमारे देश का ये रूप हमारे देश की है. ये कोई झगड़े की बात नहीं है. वी आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट इट, वी आर नॉट अक्रॉस द टेबल. व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि दिस डिसीजन जिसने लिया हुआ है, एन इंक्वायरी शुड बी इनिशिएटेड अगेंस्ट दोस पीपल. हु आर दिस पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? उनके लेन में क्या है? या लेकिन सर ऐसा होता नहीं. उड़ता पंजाब के टाइम पे क्या हुआ कि हाईकोर्ट के कहने पर सर्टिफिकेशन जारी हुआ और उस पर लिखा हुआ था बाकायदा कि ये हाईकोर्ट ने दिया है, CBFC ने नहीं दिया. और आज की तारीख में जब OTT और इतने सारे प्लेटफॉर्म है जहां पर ऑडियंस जा सकती है, क्या CBFC का औचित्य है देश में, होना चाहिए वैसी संस्था? नहीं देखो, दैट्स अ वेरी डिफरेंट डिबेट ऑल्टोगेदर. उसके लिए मतलब सेमिनार करेंगे. CBFC इज एन ऑटोनॉमस बॉडी, इट्स अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. राइट है कि गलत है, लेट्स नॉट गेट इन अ डिबेट ऑफ इट, बिकॉज इट्स अ वेरी long debate and we don't want to get into that. We are concentrating here today on our film, Bhatarune. This film ki success hamare liye bahut important hai. This film ka success hum sabke liye bahut important hai, because we have raised, Sanjay and the producers have raised a very important, as a writer director, he has raised a very important issue for the people to react and people to understand. That's all. Hi. Iska jo social fabric hai, wo kitna affect nahi hoga? लोग सोचेंगे इसके बारे में. सर देखिए, 7 तारीख को फिल्म देख लीजिए. ये बातें हम उसके बाद में करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, बिकॉज मैं फिल्म के बारे में वो प्लस मजबूरियाँ होती हैं कि आप पहले से कुछ रिवील नहीं करना चाहते और हम बहुत सारी चीज़ों को सोच लेते हैं. फिल्म टेररिज्म की बात करती है, टेररिज्म से ज़रूर जो सोशल फैब्रिक है, जो समाज है वो बढ़ता है, तकलीफें होती हैं. फिल्म उसी चीज़ की बात कर रही है. एक और रिक्वेस्ट मैं करूँगा कि हमने अभी ट्रेलर देखा है, ट्रेलर के बारे में बात करें ज्यादा बेहतर होगा. हम डिबेट करके चीजों को, क्योंकि ये चाहता हूं मैं आपके रिएक्शन ट्रेलर को लेके जानने का, उसके इम्पैक्ट को, वो ज्यादा बेहतर होगा. हम और सारे चीजों के अंदर डिबेट हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जब तक आप फिल्म नहीं देखेंगे आप सही कॉन्टेक्स्ट को समझ पाएंगे इसके, उसके बाद ज्यादा बेहतर होगा इसके ऊपर बात कर रही हूँ. देखने के बाद और आई बिलीव यू नो ग्लोबली एनी सेल अक्रॉस द ग्लोब it arrives derives from any manuscript or anything which is in script can be edited, you know, there can be a course correction. Aur aapke trailer mein jo ek line hai that their belief became their curse, obviously film to ek madhyam hai lekin vastavik jeevan mein you know is point ko samjhana kitna kathin hota hai. Dekhiye, jo jin logon ko motivate kiya jata hai terrorism ke liye, jo is तरीके की चीज़ों को करते हैं, उनको एक खास तरीके से तैयार किया जाता है, जिसके लिए बहुत सारे बातों को, आइडियोलॉजीज को, और कभी कभी उन सब बातों को जिनको हम आमतौर पर बातें नहीं करते, उनका इस्तेमाल किया जाता है अपना पर्पस अचीव करने के लिए. सी, हम आसपास ये चीज़ें देख रहे हैं, टेररिज्म
जिस कदर हो रहा है हमारे आसपास, अभी कुछ टाइम पहले प्राइम मिनिस्टर ने भी यूएस के अंदर टेररिज्म की बात की है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तो हिंदुस्तान बहुत फेस करता आया ही है और फिल्में भी समाज से ही उठती हैं। ये एक इंटरेस्टिंग नज़रिया, मैं फिलहाल इतना ही बोलना चाहूँगा टेररिज्म को लेके, इसको देखिए और उसके बाद मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। ठीक, बाकी चीज़ें एक स्पेसिफिक, मैं सिर्फ फिल्म मेकर के तौर पर बात करूं तो ज़्यादा बेहतर है कि मैं समाज या और चीज़ों के बारे में, क्योंकि जो मेरी फील्ड है मैं उसके बारे में बात कर सकता हूं, ज़्यादा बेहतर बता सकता हूं। सर ऑब्वियसली ऐसी फिल्में हैं, मेरा मानना है कि ये इंपॉर्टेंट इशूज़ है, इनके ऊपर बिल्कुल फिल्में होनी चाहिए, बात चर्चा होनी चाहिए। बट जो जैसे कुछ फिल्में आई हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट कहीं ना कहीं ये देखा है कि शायद टेम्पलेट है और जिसके कारण फिर ये भी बात होती है कि कहीं ना कहीं एक स्टीरियोटाइपिंग ऑफ दी एंटायर कम्युनिटी हो जाती है। इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे संजय जी? मुझे लगता है आप फिर अगेन मैं वही बात दोहराऊंगा कि आप फिल्म देख लीजिए। रही बात ये कि कोई टेम्पलेट, देखिए अगर कहीं पर कोई बुराई है और आप उसके बारे में बात करते हैं तो आप पीछे क्यों हटना चाहते हैं, चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? टेररिज्म गलत है, आप मानते हैं इस बात को? तो अगर उसके ऊपर एक फिल्म बनती है और बात करती है तो एक टेम्पलेट में कहाँ से आ गई? टेररिज्म को बहुत सारा, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि यूरोप, हॉलीवुड, उन लोगों ने बहुत फिल्म्स बनाई हैं इसके बारे में, ये भी उनमें से एक है। आप इसको एक सर्टन कैटेगरी में मत डालिए। दूसरी बात, जो ये 2021 में इस फिल्म को अवार्ड मिला है तो ऐसा नहीं है कि ये किसी फिल्म के बाद आई है, किसी टेम्पलेट का पार्ट है। हर चीज़ का अपना स्पेस है। हम एक बात कहना चाहते थे जिस चीज़ को हम प्रभावी ढंग से कहने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज, जो सिंसेरिटी के साथ में ऐसे सब्जेक्ट्स को, जो संजीदा विषयों के ऊपर फिल्म होती है, उनको ही ज़्यादा मुश्किलें फेस करनी पड़ती हैं, जो अभी अशोक सर ने बताया ये चीज़ें। तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी बहुत सारी मुश्किलें फेस करते हैं, फिर एक सर्टेन तरीके से आप बिना देखे ब्रांड कर देते हैं उनको, ये भी एक नज़रिया है। अगर मैं मान भी लूँ आपकी बात को तो आप दूसरे पक्ष को सुनना क्यों नहीं चाहते उसके? तो सभी तरीके की चीज़ों के लिए स्पेस होना चाहिए, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है। मेरा ये नज़रिया है जिससे मैंने इस बात को कहने की कोशिश की है। मैंने टेररिज्म की बात की जिसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप उसको किसी विशेष वर्ग से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। संजय सिराज सैयद फ्रॉम filmfestivals.com। जी, ये जानना चाह रहा था कि इस फिल्म के लिए आपने कितनी रिसर्च की, किस किस तरह की रिसर्च की, और उसको स्क्रीन प्ले में ढालते हुए और एक लेंथ में बांधते हुए क्या क्या मुश्किलें पेश आई आपके सामने? सर एक तो ये जो रिसर्च इस तरीके के सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको ऑब्वियसली करनी पड़ती है, बट फॉर्चुनेटली आज के टाइम में टेररिज्म के जितने इश्यूज हैं, जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, आपको ये मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो न सिर्फ मतलब हमारी राइटिंग टीम ने या जो दूसरा क्रू था उन्होंने, बल्कि एक्टर्स ने भी खासतौर से किस लहजे के अंदर बात करनी है, बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कशॉप्स हुई, बहुत एक लंबा प्रोसेस रहा उसकी तैयारी का, सो दैट कि जैसे जिस भाषा का इसमें इस्तेमाल किया है पवन मल्होत्रा ने, वो सराइकी बोलते हैं स्पेशली, हालांकि वो पंजाबी हैं लेकिन फिर भी सराइकी वो ये लाहौर में बोली जाती है, तो उसके एक्सपर्ट से जो मतलब हर तरीके के जो चीज़ें होती हैं कि बेहतर और ऑथेंटिक तरीके से प्रेजेंट कर सकें, उसका भरपूर ख्याल रखा गया है इसके अंदर। और ऑफकोर्स रिसर्च की ज़रूरत होती है, लेकिन ये जिस खास चीज़ के बारे में बात कर रही है, आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि उसकी रिसर्च नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन जो कोट्स हैं, जो बातें हैं, जो डायलॉग्स के अंदर जो चीज़ें हैं, वो बहुत ऑथेंटिक और काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स के साथ में डिस्कस किया गया, क्योंकि बहुत थिन लाइन होती है जब आप इस तरीके की बात करते हैं, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन सबको किया है। तो ऑफकोर्स हर फिल्म की अपना एक प्रोसेस होता है, सभी लोग हार्डवर्क करते हैं और ऐसा नहीं है कि इसमें ज़्यादा है या उसमें कम है। मुझे लगता है कि फिल्म बनाना ही बहुत मेहनत का काम होता है, तो ये नई बात मैं नहीं बोलूँगा, बिकॉज ये पैशन है हमारा, शौक है, और तो जो भी होता है बिकॉज उसी दुनिया में जीते हैं, तो सारी चीज़ें जो हैं उसके लिए जो पॉसिबल है वो इंसान करता है। सवाल ये है सर कि क्या 72 भूरे नाम को लेकर लोगों का विरोध है? आपको तो बता रहे हैं फिल्में में सारा सब कुछ नहीं होगा जो भी एक आतंकवाद को बनाया है, लेकिन क्या लग रहा है कि नाम को लेकर एक बड़ा विरोध हो गया, क्योंकि दूसरे धर्म के लोग कह रहे हैं कि जानबूझकर हमको आप बदनाम कर रहे हैं,
जो दूसरे धर्म के मुसलमान की बात करें, तो कहीं के लगता है क्या जानबूझ के एक धर्म को टारगेट किया गया है इसलिए भक्त भूरा नाम दिया गया और यही कारण है विरोध बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है जिस सेंसर बोर्ड ने न दिया हो परमिशन। अभिषेक आपने हमारे अलावा सुना है कभी भक्त भूरे फिल्म के अलावा भी सुना है कि नहीं आपने? आपने मौलवियों से सुना है कि नहीं सुना है? आप न्यूज इंडस्ट्री के हैं तो आपको रोज वही चला चला के टीआरपी बढ़ा रहे हो अपनी, है ना? मौलवी जब भक्त भूरे करता है डिबेट्स में हो रहा है सब कुछ, तो ये हकीकत तो है, ये तो आप नकार नहीं सकते हो कि हकीकत नहीं है, ठीक है ना? मैं तो कश्मीर से हूँ, मैं तो वहाँ तो हर गली में हर कूचे में भक्त भूरे का जिक्र होता है। तो ये कहना कि इट्स अगेंस्ट द रिलीजन इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। हम जैसे सज्जन जी ने कहा, हम जो है इसमें सिर्फ टेररिज्म की बात कर रहे हैं, आप कैसे बरगला रहे हैं तुम? और अभिषेक बात का एहसास हम क्यों जुड़े इस फिल्म के साथ? टेररिज्म को जितना नजदीक से मैंने देखा होगा, मुझे लगता है कि किसी ने देखा होगा। मेरी बदकिस्मती है कि बिकॉज मैं ऐसे इलाके का हूँ, ऐसी जगह का हूँ कि हमने दिन रात इनको फेस किया है, ठीक है। सो जहाँ तक सिंसियरिटी का सवाल है, जहाँ तक ईमानदारी का सवाल है, और तभी हम इस फिल्म के साथ जुड़े हैं। एक भी चीज इस फिल्म में वो नहीं है जो कि हमने बताई है फिल्म में। ये मैं संजय की तरफ से या प्रोड्यूसर की तरफ से बाकी प्रोड्यूसर की तरफ से मैं आपको बता दूं, इट्स अ सीरियस इशू जो ये फिल्म रेज करती है। इट्स फॉर एवरीवन, एक रिलीजन बेस नहीं है। और ये कहना कि हम लोग किसी को टारगेट कर रहे हैं वो भी गलत है। जैसे संजय ने कहा, जिस दिन आप फिल्म देखोगे आप रियलाइज करोगे कि कितने सीरियस फिल्म है, कितनी ईमानदारी से बनाई गई फिल्म, कितना इंपॉर्टेंट इशू रेस किया गया है। ये फ्रिवलस फिल्म नहीं है, ये किसी का मजाक उड़ाने वाली फिल्म नहीं है। इट्स अ सीरियसली मेड फिल्म। और संजय जिसने पहले लाहौर बनाई है, इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इतनी बड़ी फिल्म बनाई है, तो एक सीरियस फिल्म मेकर आपके सामने है, एक ऐसा फिल्म मेकर है जो चीजों को समझता है, एक ऐसा प्रोड्यूसर है जो चीजों को समझता है। Without any support from any quarter, from anyone, अगर गुलाब सिंह जी या किरण जी या अनिरुद्ध या इनकी पूरी टीम खड़ी होती है तो खाली प्रोपेगेंडा के लिए और अपने करोड़ों रुपए जगाने के लिए नहीं हो सकता ना। इतने बेवकूफ तो नहीं है, तो सक्सेस तो बिजनेसमैन है, इन्होंने फिल्में बनाई इतनी बड़ी बड़ी, बेवकूफ तो कोई नहीं है। सो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग को अंडर एस्टिमेट मत करो, किसी भी मेकर को अंडर एस्टिमेट मत करो, किसी भी डायरेक्टर को इन्वेस्टमेंट मत करो, किसी भी प्रोड्यूसर को इन्वेस्टमेंट मत करो। उसको दिल से लगता है कि ये इशू पे डिस्कशन होना चाहिए, ये इशू पे फिल्म बननी चाहिए, वो फिल्म बनाता है। हम मोर्चे नहीं निकालते हैं, हम फिल्म बनाते हैं। बात संजय, मैं तो आपका सवाल ही भूल गया क्योंकि सर ने इतना परफेक्ट जवाब दिया। मनीष डायरेक्ट न्यूज से सर, यहाँ मेरा सवाल गुलाब जी से, छोटी ने बोला कि पैसा चलाने के लिए फिल्म नहीं बनाता है। जाहिर सी बात है, जब फिल्म बनी है और नाम भी ऐसा है तो कंट्रोवर्सी तो होनी ही थी, और रिलीज तक कई अड़चने आ रही थी, ये भी तय रहता है जैसा कि ट्रेलर के साथ हो रहा है। आपके माइंडसेट में क्या चल रहा था उस समय जब आप इस फिल्म में पैसा लगा रहे थे या इन्वेस्ट कर रहे थे कि इसको आगे चले, क्योंकि अड़चने तो आनी ही है, कोई भी नहीं चाहता किसी अड़चन में फंसे, फिल्म आराम से निकल जाए, पैसे आए, सब कुछ आए, ऐसा रेवेन्यू भी दिमाग में चलता है एज ए बिजनेसमैन। तो आप दोनों से ये सवाल है। अच्छा, जैसे मैंने शुरुआत में एक बात बोली थी कि फिल्म बनाने का एक अवसर, और वो भी एक ऐसी फिल्म जिसमें सच बोलने का अवसर हो, और ऐसा सच जो समाज की दशा और दिशा दोनों तय करने वाला हो, उसमें पैसा लगाने से पहले ये डे वन हर आदमी जो मुझसे मिला, जो फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता था या तो कुछ भी इसके बारे में जानकारी रखता था, उसने मुझे डिमोरलाइज किया, उसने मुझे समझाया कि पैसा आप आग में डाल रहे हो, पानी में नहीं डाल रहे हो, पानी का पैसा फिर भी निकाल के सुखाया जा सकता है, लेकिन आप पैसा जला रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है, अगर मैं अपनी कमाई का कुछ हिस्सा एक ऐसी फिल्म के लिए लगा दूं जो एक विषय को सामने लेके आए, एक विचार को सामने रखे जिसके ऊपर वाद विवाद हो सके, जिसके ऊपर बातचीत हो सके कि ये क्या ठीक है, क्या इस तरीके से युवाओं को बगलाना और युवाओं को एक आतंक के रास्ते पे ले जाना और असंख्य लोगों की जान ले लेना, उनके परिवारों को उजाड़ देना, धन संपत्ति को समाप्त कर देना, क्या ये ठीक है? इस पे अगर हम एक विचार खड़ा कर सकते हैं, ग्लोबली हम लोगों को ये मौका दें और कहें
कि आप इस पर विचार करिए और उन लोगों को कंडेम करिए जो ऐसा रास्ता अख्तियार करते धर्म का नाम लेकर कि युवाओं को बर्बाद और बगला रहे उनको रोका जाए। ये विचार अगर कहीं आगे जा सकता है तो मेरा पैसा आग में जाए पानी में जाए मैं उसकी परवाह नहीं करता। इसमें इस फिल्म को अवार्ड भी मिला जैसा आपने दिखाया नेशनल अवार्ड मिला। आप बात कर रहे हैं 2023 में अब जबकि 2024 का चुनाव बिल्कुल करीब आ गया है। इस तरह की फिल्मों की बयान हमने देखी चाहे वो केरल फाइल्स हो कश्मीर फाइल हो और भी बहुत सारी हैं और लाइन में और बहुत सारी आ रही है नाम मेरे पास है। तो आपकी इंडस्ट्री के ही लोग कहते हैं कि एक टाइमिंग को ध्यान में रखकर इस तरह का रिलीज किया जा रहा है। जो प्रोपेगेंडा जो शब्द आपको बहुत आपत्ति है वो यहां पर उठ रही है टाइमिंग को लेकर कि एक तरह का माहौल क्रिएट करने के लिए और लाइन से देखा जाए तो एक पर्टिकुलर धर्म को लेकर ही फिल्में उसके धर्म के अंदर जो बुराइयां हैं उनको फिल्म के जरिए सामने लाने को लेकर ही क्यों इतना ज्यादा जोर दिया जा रहा है। वहां पर सवाल आपकी टाइमिंग का है नियत का नहीं। आपको कौन रोक रहा है वो फिल्म बनाने के लिए जो आप बनाना चाहते हैं? कोई तो रोक रहा है ना आपको। आपको मतलब नॉट आपको, उन लोगों की बात होती है। मैंने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर प्रोड्यूस की थी, ठीक है ना। अभी बात समझनी चाहिए हमारे देश में हर 3 महीने में एक इलेक्शन होता है। ये 5 साल के बाद एक फांसी के 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं हर 3 महीने में कोई लोग इलेक्शन है तो इस हिसाब से तो हमारे हिंदुस्तान में फिल्में नहीं बनेंगी। फिल्में बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो जो इशू में फिल्म मेकर्स हैं जो सीरियस फिल्म मेकर्स हैं वो तो फिर फिल्म बना नहीं पाएंगे। फिर हमको तो टारगेट है यार 3 महीने के बाद इलेक्शन आने वाला है चुनाव आने वाला है फिल्म मत बनाइए। ये जो कॉम्प्लिसिटी है और ये गिल्ट की फीलिंग जो है ना वो मेकर्स में नहीं होती वो प्रोड्यूसर्स में होती। कोई भी किसी भी फिल्म को आप लेके चलो वो टारगेट वो एक अपना शेड्यूल बनाता है उसको इंस्पायर करता है फिल्म मेकर को संजय को राजू को सबको एक सब्जेक्ट हम सब बैठते हैं और हमारे दिमाग में यह आता नहीं है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ हमारे पॉलिटिकल बिलीफ सबके अलग अलग अपने अपने हैं हर आदमी के अपने पॉलिटिकल बिलीफ से बट दैट डजंट कम इन द विद ऑफ मेकिंग अ फिल्म। ये चीजें हम लोग को दिमाग से निकाल देना चाहिए। हम लोग पॉलिटिशियंस नहीं है पहली बात तो ये बताइए। ये पॉलिटिशियंस होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि यार 4 साल के बाद 3 साल के बाद चुनाव है चले पेट्रोल बांटना शुरू करते हैं खाना बांटना शुरू करते हैं। वी आर नॉट दैट ग्रेट ट्रीट अस लाइक क्रिएटिव पीपल मेकर द वे यू आर क्रिएटिव पीपल। हमको उस लेवल पे मत लेके आओ यू डोंट गेट अस टू दैट लेवल वेयर वी आर इतने इंटेलिजेंट हम लोग हम पॉलिटिकल सिनेरियो देख के हम फिल्म बनाएंगे ऐसे नहीं होता है। संजय ने जो फिल्म बनाई थी या सोचा था तो उसके स्क्रिप्टों पे काम हुआ है टाइम लगा है। सो दिस थिंकिंग और दिस लॉजिक और दिस फिलॉसफी ऑफ मेकर्स टाइमिंग द फिल्म एज पर द इलेक्शंस आई टोटली वी ऑल टोटली रिफ्यूज इट एंड आई थिंक देयर इज नो पॉइंट डिस्कसिंग ऑन दिस थिंग। तो बोलने के लिए तो आदमी कुछ भी बोलता है उससे कुछ भी हो सकता है। सर एक सवाल एक सवाल था कि ये फिल्म पहले सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इसको नेशनल अवार्ड भी मिला है। मैंने संजय पुरन सिंह का इंटरव्यू भी किया था घर जाकर जब इसे नेशनल अवार्ड मिला था। मेरा सवाल है कि इसे दोबारा रिलीज करने की आवश्यकता आप लोगों को क्यों महसूस हुई? इसके पीछे की कुछ वजहों पर अगर आप लोग गौर फरमा सके तो अच्छा होगा। दूसरी बार देख ले क्या बोलूं सर मैं दे दूंगा जवाब। रवि जी ये कहाँ रिलीज हुई थी फिल्म? सिनेमा घर आप रिसर्च करके आए हो कुछ सिनेमा घरों में तो रिलीज हुई थी और जैसे नेशनल अवार्ड तो फिल्म रिलीज होने के सिनेमा घरों में रिलीज हो तब भी मिलता है। आपकी रिसर्च पूरी नहीं है। नेशनल अवार्ड के लिए सेंसर सर्टिफिकेट की जरूरत होती है कि वो हिंदुस्तान में बनी है और उसके लिए रिलीज की जरूरत नहीं होती है। तो ये फिल्म रिलीज नहीं हुई है। अक्सर हम मान लेते हैं जब इसको बोलते हैं इफ्फी के अंदर वर्ल्ड प्रीमियर हो रहा है क्योंकि वहाँ पहली बार ये फिल्म दिखाई जा रही है 2000 जो कोविड से पहले ये इफ्फी के अंदर फिल्म दिखाई गई थी जहाँ पर कुछ फिल्म क्रिटिक्स ने इसको देखा था और रिव्यू किया था इस फिल्म के बारे में। क्योंकि जब आप दिखाते हैं यही एक सिस्टम होता है फिल्म को लेकर कमर्शियल रिलीज ये अब हो रही है। अच्छा मुझे बताया गया था टीम की तरफ से कि कुछ सिनेमाघरों में रिलीज मेरा सवाल ये है कि मतलब CBFC बोर्ड से तो मतलब जैसा आपने कहा कि सिनेमा के लिए तो पास हो गई है बट अगर एक बार जब रिलीज हो जाएगी तो उसके बाद जो है सोशल मीडिया पे ट्रोलर्स होंगे नेटिजन्स होंगे जो है बॉयकॉट करेंगे फिल्म को तो क्या उसके लिए भी तैयार है आप? तो हमारे सबके पास AK-47 है यार टेंशन मत करें। आखिरी सवाल अशोक आपसे आप
आपने आपने बोला कि सेंसर बोर्ड की बातें आपने तमाम बातें की, क्या आप पर्सनली प्रसून जोशी सर से मिलने वाले हैं, आपके दोस्त भी हैं, आप पर्सनली उनसे बात करेंगे इस बारे में और किस तरह से सॉल्व करेंगे? Let's see कैसे how things take off. मैं आज तो नहीं बता सकता, मुझे क्या प्रसून मिले मेरे को मिलने में तो प्रॉब्लम थोड़ी, हम एक इंडस्ट्री के लोग हैं, that's not done. We have raised an issue today, Ravi. झगड़ा थोड़ी है, कोई मारामारी थोड़ी है, it's an issue. आतंकवाद पे बहुत सारी बातें चर्चा होती है, खबरें भी आती है, फिल्में बहुत कम बनती है, तो लाजिद लाइफ होती है, रियलिस्टिक फिल्में आप थोड़ा आना शुरू हुई है, केरल स्टोरी में जो भी हुआ बहुत सारी चीजें, लेकिन दिखाई भी गई कि क्या चीजें होती है, तो आपको लगता है कि कुछ लोग जागेंगे, जो नई पीढ़ी है जो रास्ता भटक जाती है उसके लिए कहीं ना कहीं ये कहना चाहिए टॉर्च बेरर की तरह काम करेगा, ये फिल्में कहीं ना कहीं उनको रास्ता भटकने से रोकेंगी भी, क्योंकि इस पहलू पे बहुत कम बातें होती हैं। संजय जी आप चाहे तो आप भी जवाब दे सकते हैं। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। मेरा ये कहना है कि आतंकवाद को लेके जो फिल्में बनती हैं उस पे मेनली धर्म बाकी चीजों पे चर्चा होती है, लेकिन ये क्यों जन्मा, ये चीजें क्यों हो रही है उस पे चर्चा बहुत कम होती है, तो इस तरीके की फिल्में बनने के बाद आपको लगता है कि जो लोग इस तरीके के रास्ते पे चल पड़ते हैं या जो मजबूरन आते हैं उनको कितना दिशा दिखाने में काम करेगी ये फिल्में? मैम मुझे मैं बहुत ज्यादा सिनेमा से उम्मीद नहीं रखता कि वो चीजों को बदल देंगे, लेकिन कहीं पर अगर आप इस तरीके के संजीदा विषयों के ऊपर जब फिल्में देखते हैं तो अक्सर लोग बातें करते हैं और वो बातें जो है वो कुछ आगे तक जाती हैं, तो उससे मुझे लगता है कि कुछ लोगों को एक सोचने का नज़रिया जो है वो ज़रूर मिलता है, बिकॉज आप लकीर के सीधे चलते रहेंगे और किसी और पक्ष को नहीं मानेंगे तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। मुझे लगता है कि सिनेमा जब इस तरीके से मेन स्ट्रीम में आके बातें करने लगता है तो अक्सर ये चीज़ें थोड़ी आगे पहुँचती हैं, न्यूज़ चैनल्स पर बात होती है, डिस्कस करते हैं, डिबेट्स होती हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा पहलुओं के ऊपर रोशनी पड़ती है जो ऑफकोर्स मददगार होती है इस चीज़ के अंदर, और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज इसका इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा ऑडियो विजुअल का बहुत ज़्यादा होता है, और अगर कुछ लोग इस सीधे को अगर इसको ये एंटीथेसिस है टेररिज्म को लेके अगर लोग इसको समझते हैं तो इससे ज़्यादा बेहतर बात कुछ हो नहीं सकती।